गईंदिये चकाए जोए वे कसाय नाणिय संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्निया हरे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाए मगणा होय उबो गोविय कमसो बी संतो परुवणा भणिया झाणा बिय पच्चा बिय जाइय कुल कोडी संजुया सवे गहना तिजैन भणिया कमेण चौबीस ठाणानी। चौबीस ठाण चर्चा में अपन विज्ञानमती माता जी के चौबीस ठाण प्रश्नोत्तर मंजूषा के द्वितीय खंड से जो पोर्शन रह गया है उसको देख रहे हैं। आज आश्रव के प्रत्ययों में अपन 24 स्थान लगाते हैं। सबसे पहले गति में, जहां मनुष्य गति में 55 आश्रव के प्रत्यय होते हैं एक गति में, यानी क्योंकि मनुष्य गति में बैक्रियक और बैक्रियक मिश्र इसका आश्रव नहीं होगा क्योंकि ये नहीं होते उनके। फिर त्रियंश में वहाँ पर 53 होते हैं प्रत्यय, तो 53 जो है प्रत्यय एक गति में, क्योंकि वहाँ पर बैक्रियक बैक्रियक मिश्र और आहारक आहारक मिश्र दो नहीं होंगे, तो ऐसे 4 कम होने से। देवों में वहाँ 52 प्रत्यय होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर औदारिक औदारिक मिश्र नहीं है, आहारक आहारक मिश्र नहीं है और नपुंसक भेद नहीं होता, तो इस अपेक्षा से वहाँ 52 बनते हैं। और नरक में वहाँ पर औदारिक औदारिक मिश्र आहारक आहारक मिश्र और दो वेद नहीं होने से वहाँ पर 51 बनते हैं, तो 51 जो है वो एक नरक गति में। इंद्री मार्गणा की अपेक्षा से 38 जो हैं एक इंद्री में बनते हैं, क्योंकि एक इंद्री में जो जीव रहते हैं उनकी एक अविरति यानी इंद्री संबंधी होती है, तो 7 अविरति रहती हैं और योग भी उनके पास में 3 रहते हैं, औदारिक औदारिक मिश्र और कार्मण, इस अपेक्षा से उनमें 38 जो हैं बनते हैं। फिर दो इंद्री में 2 की वृद्धि होने से एक इंद्री और एक साथ साथ में योग यानि वचन योग अन्वय वचन योग, तो उनमें 40। फिर 3 इंद्री में 41, 4 इंद्री में 42 और पंचेंद्री में 57 होते हैं। काय मार्गणा की अपेक्षा से जो अभी अपन ने लगाया था एक इंद्री में 38, तो 38 जो हैं 5 स्थावर में रहेंगे और जो 57 वो त्रस्काय में रहेंगे। फिर योग की अपेक्षा से सारे योग में आहारक को छोड़ करके वहाँ पर 43 जो हैं, तो उसमें मिथ्यात 5 अवृत्ति 12 कसाय 25 और सुखी एक योग लेंगे अपन उस समय में, क्योंकि एक समय में एक योग रहता है, तो उस अपेक्षा से वहाँ पर 43 बन जाएंगे। और जब आहारक में लगाएंगे उस समय में, तो आहारक आहारक मिश्र में वहाँ पर कषाय 11 हैं और योग सुखी 1 रहेगा, तो इस अपेक्षा से वहाँ पर केवल 12 जो हैं मतलब आश्रव के प्रत्यय रहेंगे। फिर वेद में स्त्री वेद और नपुंसक वेद में 2 वेद वहाँ पर नहीं है और आहारक दिक नहीं है, क्योंकि आहारक दिक पुरुष वेद के साथ ही होता है, इसलिए वहाँ पर 53 जो हैं प्रत्यय रहेंगे और पुरुष वेद के साथ में 55 रहेंगे, क्यों? यहाँ पर जो है पुरुष वेद के साथ में 2 वेद कम हो जाएंगे इसलिए 55 रहेंगे। फिर कषाय मार्गणा की अपेक्षा से अनंतानुबंधी के चतुष्क में वहाँ पर 40 जो हैं प्रत्यय रहेंगे, तो उसमें मिथ्यात के 5 अवृत्ति के 12 कसाय, यहाँ पर माताजी ने एक अनंतानुबंधी के साथ में एक ही ली है केवल, उन्होंने जैसे अपने अनंतानुबंधी के साथ में प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि सब रहेंगी, लेकिन माताजी ने एक को लेकर के चली हैं, तो कसाय 1 और 9 कसाय 9 और इसमें योग 13 होते हैं, क्योंकि इसमें आहारक आहारक मिश्र नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये कुल मिला करके अनंतानुबंधी संबंधी 40 आसर रहेंगे। फिर इसके बाद में अप्रत्याख्यान वर्ण चतुष्क जब रहेगा तो मिथ्यात चला जाएगा और उसमें जो हैं पहले 40 थे, तो अब यहाँ पर वो मिथ्यात के 5 गए, तो मिथ्यात के 5 जाने से 40 से 5 में 35 बचे इसमें। फिर इसके बाद में प्रत्याख्यान में एक और चौकड़ी चली गई, तो यहाँ पर 30 बचे। फिर इसके बाद में संजलन चतुष्क में अविरति जाने के कारण में और साथ साथ में योग में भी यहाँ
अहरक अहरक मिश्र आ जाएगा, इस अपेक्षा से यहाँ पर 21 रहेंगे। जब 9 कसाय का लगाएंगे तो 9 कसाय में वहाँ 55 बताए हैं, तो 5 उसमें यानी 9 कसाय मिला करके, तो उसमें पुरुष वेद, हास्यरति और भय जुगुप्सा। जिस समय में हास्यरति रहेगी उस समय में अरति शोक नहीं रहेगा, ये नियम रहता है। तो इस अपेक्षा से उसमें 55 जो हैं रहेंगे, यानी 2 का कमी हो जाएगी। फिर जब वेद में लगाएंगे, स्त्री वेद और नपुंसक वेद में, तो 2 वेद की कमी हो जाएगी और उसमें आहारक दिख नहीं रहेगा जो अपन पहले भी लगा चुके हैं, तो उसमें 53 रहेंगे। और भय जुगुप्सा में सब रहेंगे तो इसलिए उसमें 57 प्रत्यय रहेंगे। ज्ञान की अपेक्षा से कुमति कुश्रुत में इसमें 55 रहेंगे, क्योंकि इसमें आहारक और आहारक मिश्र नहीं रहेगा। फिर विभंग ज्ञान में जहाँ 5 योग कम हो जाते हैं, क्योंकि विभंग ज्ञान में मरण नहीं होता, तो वहाँ पर 3 मिश्र नहीं रहेंगे, कार्मण नहीं रहेगा, आहारक नहीं रहेगा, तो उसमें 5 की कमी होगी तो 52 रहेंगे। मतिश्रुत अवधि ये 3 में जहाँ पर सम्यक दृष्टि है तो वहाँ पर मिथ्यात के 5 कम हो गए और 1 चौकड़ी चली गई अनंत अनुबंधी की, तो 9 कम हो गए तो 48 हो गए। फिर मन है परे ज्ञान में मुनिराज हैं तो वहाँ पर 11 कसाय बची हैं और 9 योग हैं, इसमें जो कसाय में 2 वेद की भी कमी हो गई, क्योंकि मन है परे ज्ञान पुरुष वेद के साथ ही होता है, इसलिए इसमें 20 प्रत्यय रहेंगे। और जब केवल ज्ञान रहता है तो उस समय में 7 योग रहते हैं, 2 वचन के, 2 मन के, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण। इसके बाद में संयम मार्गणा में सामयिक छेदोपस्थापना में 24, तो उसमें 13 कसाय हैं और 13 ही योग हैं, क्योंकि इसमें आहारक आहारक मिश्र भी है और सारे वेद हैं, तो इसलिए यहाँ पर 24 जो हैं प्रत्यय रहेंगे। परिहार विशुद्धि में 11 कसाय और साथ साथ में 9 योग, क्योंकि इसमें 2 वेद नहीं रहते इसलिए 11 कसाय और 2 वेद में यहाँ पर आहारक आहारक मिश्र भी नहीं होता इसमें, इसलिए इसमें 20 प्रत्यय रहेंगे। फिर सुख सांप्राय 10वें गुण स्थान में 1 कसाय बची और 9 योग हैं, तो उसमें वहाँ पर 10 रहेंगे। फिर यथाख्यात चारित्र में कसाय तो शून्य हो गई है लेकिन 11 योग वहाँ पर, जो जिसमें समुद्घात करते हैं उस समय में कार्मण औदारिक मिश्र भी हो जाता है, इसलिए वहाँ पर योग की वृद्धि हो गई है, तो कुल मिलाकर के 11 योग होने से 11 रहेंगे। संयमा संयम में 37 रहते हैं, संयमा संयम में अविरति जो है 11 रहती हैं और 17 कषाय रहती हैं, 9 योग रहते हैं, इसलिए इसमें 37 प्रत्यय हैं। और असंयम में वहाँ पर आहारक आहारक मिश्र नहीं होने के कारण में 55 प्रत्यय रहते हैं। दर्शन मार्गणा की अपेक्षा से जहाँ चक्षु अचक्षु दर्शन हैं वहाँ पर पूरे 57 प्रत्यय हैं, क्योंकि ये 1 से 12वें गुणस्थान तक होते हैं। फिर जहाँ अवधि दर्शन है तो अवधि दर्शन जो सम्यक दृष्टि को ही होता है, तो इसलिए वहाँ पर 5 मिथ्यात और अनंत अनुबंधी की चौकड़ी, ये कम रहेंगे तो 48 रहेंगे। और केवल दर्शन के साथ में 7 योग होते हैं, अपन पहले देख चुके हैं। लेशा की अपेक्षा से जब 3 अशुभ लेशियाँ रहती हैं तो 55, क्योंकि उसमें आहारक आहारक मिश्र नहीं होता। और जब 3 शुभ लेशियाँ रहती हैं तो उसमें 57 प्रत्यय, क्योंकि शुभ लेशियाँ 1 से लेकर के 7 तक होती हैं, तो उसमें सारे प्रत्यय बन जाते हैं। भव्य जीवों के 57 पूरे आश्रव होते हैं और अभव्य में आहारक आहारक मिश्र नहीं होता, तो उनके 55 होते हैं। सम्यक्त मार्गणा की अपेक्षा से जहाँ उपशम सामान्य लिया है माताजी ने उसमें, तो उसमें मिथ्यात के 5 नहीं रहेंगे, अनंतानुबंधी की चौकड़ी नहीं रहेगी और इसमें आहारक आहारक मिश्र नहीं होता और इसमें साथ साथ में औदारिक मिश्र में भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जो द्वितीय उपशम के साथ में जाकर के देवों में उत्पन्न हो सकता है, उस अपेक्षा से यहाँ पर 45 प्रत्यय 1 की, यानी इसमें जिसमें कि उपशम सम्यक दर्शन है। फिर छायिक और क्षय उपशम सम्यक दर्शन में इसमें 48 प्रत्यय, जो अपन देख ही रहे थे, मिथ्यात के 5 और अनंतानुबंधी की चौकड़ी नहीं रहेगी। सासाधन गुणस्थान में वहाँ पर मिथ्यात के 5 नहीं रहेंगे और आहार कारक मिश्र नहीं रहेगा, तो इसे 7 कम होने से 50 रहेंगे। मिश्र गुणस्थान में वहाँ पर मरण नहीं होता, तो 3 मिश्र, आहारक और कार्मण और साथ साथ में अनंतानुबंधी की चौकड़ी भी नहीं रहती है, तो उसमें 43 प्रत्यय रहेंगे।
मिथ्यात् गुण स्थान में 55, उसमें अहरक और अहरक मिश्र नहीं रहता। संगी मार्गणा की अपेक्षा से संगी में पूरे 57 प्रत्यय रहेंगे, असंगी में 45 प्रत्यय रहेंगे, तो उसमें मिथ्यात् के 5, अविरति में 1 की कमी हो जाएगी, कषाय 25 रहेंगी, लेकिन योग जो असंगी के पास में 4 ही योग रहते हैं, तो उसमें औदारिक औदारिक मिश्र कार्मण और अनुभय वचन, तो ऐसे जो हैं उसमें 45 प्रत्यय रहेंगे। आहारक मार्गणा की अपेक्षा से जब आहारक रहेगा तो कार्मण के बिना 56 प्रत्यय रहेंगे, और जिस समय में अनाहारक रहेगा उस समय में कार्मण का योग होगा तो बाकी 14 योग नहीं होंगे, तो उस समय में 43 प्रत्यय रहेंगे। गुणस्थानों की अपेक्षा से वैसे अपन ने बहुत कुछ लगा लिए हैं, तो यहाँ पर सामान्य से देख करके कि पहले गुणस्थान में 55 जिसमें आहारक आहारक मिश्र नहीं होता, दूसरे गुणस्थान में 50 अभी अपन ने लगाया था, तीसरे गुणस्थान में 43 ये भी लगाया था अपन ने अभी, चौथे गुणस्थान में 46, फिर पांचवे गुणस्थान में 37, छठे गुणस्थान में 24, सातवें गुणस्थान में आहारक आहारक दिख नहीं रहता तो 22 बचते हैं, आठवें गुणस्थान में भी इतने ही रहते हैं, फिर नवे गुणस्थान में 16, वहाँ पर 6 नौकसाएँ 22 में से चली जाती हैं, फिर दसवें गुणस्थान में 10 ये भी अपन ने लगाया था, 1 कसाय और 9 योग, फिर 11वें गुणस्थान में केवल 9 योग रह जाते हैं, 12वें गुणस्थान में भी इतने ही हैं, 13वें गुणस्थान में केवल 7 योग रह जाते हैं, और 14वें गुणस्थान में योगातीत हो जाते हैं, तो वहाँ पर शून्य कोई भी आश्रव नहीं होता। जीव समास की अपेक्षा से 14 जीव समास में एकेंद्रीय के जो होते हैं उनमें 38 अपन ने भी लगाया था, तो उसमें 38 आश्रव के कारण होते हैं, फिर द्विइंद्रिय में 2 की वृद्धि होती तो 40 हो जाते हैं, 3 इंद्रिय में 1 की वृद्धि तो 41, 4 इंद्रिय में फिर 1 की वृद्धि तो 42, असंगी पंचेंद्रिय में 3 की वृद्धि होती है, तो 3 वृद्धि कैसी, 1 अविरति बढ़ जाती है और 2 वेद बढ़ जाते हैं, तो ऐसे उसमें 45 होते हैं, और संगी में 57 होते हैं। पर्याप्ति की अपेक्षा से जहाँ 6 पर्याप्तियाँ होती हैं वहाँ पर 57, फिर एकेंद्रीय में 4 पर्याप्तियाँ होती हैं वहाँ पर 38 अभी देखा ही था अपन ने, जहाँ 2 इंद्रिय में 5 पर्याप्तियों में 40, फिर 3 इंद्रिय में 41, 4 इंद्रिय में 42 और असंगी पंचेंद्रिय में 45 अभी लगाया था अपन ने। फिर इसके बाद में प्राण में जहाँ 10 प्राण हैं वहाँ पर 53, क्योंकि प्राण है मतलब प्राण का कार्य हो रहा है तो अपर्याप्त अवस्था नहीं है, तो उसमें 3 मिश्र और कार्मण नहीं बनेंगे, तो ऐसे उसमें 53 जो हैं आश्रव के कारण रहेंगे। और जहां 7 प्राण हैं तो ये अनारक अवस्था है, तो अनारक अवस्था में 43 होते हैं, अभी अपन ने अनारक अवस्था में देखा था। चारों संज्ञाओं में 57 प्रत्यय होते हैं। उपयोग की अपेक्षा से जहाँ 57 जो आश्रव हैं वो 2 उपयोग में आने, चक्षु अचक्षु दर्शनोपयोग की अपेक्षा से, जब 55 आश्रव के कारण बनते हैं तो कुमति कुश्रुत ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से, क्योंकि इसमें आहारक आहारक मिश्र नहीं होता, फिर 52 आश्रव के कारण होते हैं विभंग अवधि में, क्योंकि इसमें मरण नहीं होता, तो इसमें आहारक आहारक मिश्र और मिश्र तो कोई सा रहेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें मरण नहीं होता तो इसमें कार्मण नहीं रहेगा, इसलिए इसमें जो है 5 कम हो जाते हैं, तो इसमें 52 बचेंगे। फिर मति श्रुत अवधि और अवधि दर्शनोपयोग, तो इसमें 48 प्रत्यय रहेंगे, जिसको 48 को अपन लगाया था, मिथ्यात् के 5 नहीं रहेंगे और 1 चौकड़ी चली जाएगी, तो इसमें 9 की कमी आ जाएगी। फिर मन है परे ज्ञान के साथ में 20, इसमें भी 2 वेद नहीं है क्योंकि ये रिद्धि है, तो वहाँ पर 2 वेद यानी निषेध हो जाएंगे, और आहारक आहारक मिश्र भी नहीं होता है इसमें, तो 11 कषाय और 9 योग रहेंगे, तो 20 बन जाएंगे। और केवल दर्शनोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग के साथ में 7 प्रत्यय होते हैं, वो योग संबंधी ही रहते हैं। ध्यान की अपेक्षा से जहाँ 3 ध्यान, उसमें निदान के बिना 3 अर्ध ध्यान हैं, तो इनमें 57, क्योंकि 1 से 6 गुणस्थान तक ये होते हैं, तो उनमें 57 आश्रव रहते हैं। फिर निदान ध्यान और रौद्र ध्यान, तो ये रौद्र ध्यान और निदान ध्यान ये 5 ध्यान अपने ध्यान में लगाया था, तो ये 1 से 5 तक रहते हैं, तो इसमें 5वें गुणस्थान तक आहारक आहारक मिश्र नहीं होता, तो 55 प्रत्यय होते। फिर 2 धर्म ध्यान, तो 2 धर्म ध्यान ये 4थे गुणस्थान में होते हैं, तो इसमें 48 अभी अपने लगाया था। फिर इसके बाद में 5वें गुणस्थान में 1 विपाक विच्छेद धर्म ध्यान, तो इसमें 37 होते हैं, इसमें
ग्यारह अविरति होती हैं, 17 कषाय होती हैं और 9 योग होते हैं, इसलिए 37 बन जाता है। फिर एक संस्थान विषय धर्म ध्यान, तो ये छठे गुण स्थान में, तो इसमें 13 कषाय और 11 योग होते हैं, तो इसलिए इसमें 24 प्रत्यय रहेंगे। फिर एक जहाँ पृथक वितर्क विचार जो ध्यान होता है उसमें 8वें गुण स्थान में, इसमें 22 होते हैं, तो 13 कषाय और 9 योग रहते हैं। फिर इसके बाद में एकत्व वितर्क अविचार, ये 12वें गुण स्थान का, इसमें केवल 9 योग रह जाते हैं। फिर इसके बाद में जैसे इसमें लिखा है कि एक शुक्ल ध्यान में 7 योग, लेकिन जो 13वां गुण स्थान होता है उसमें जब तक भगवान की वाणी खिरती है तब तक उनका ध्यान नहीं होता, तो इस अपेक्षा से उस समय में केवल एक योग यानी एक ही आश्रम होना चाहिए, वो भी केवल कायोग संबंधी, बाकी सारे योगों का वो वहाँ पर विनाश कर देते हैं, तो इसलिए इसमें ये थोड़ा सा। और एक जो है योगातीत यानी 14वें गुण स्थान में ध्यान में उस समय में कोई भी आश्रम नहीं रहेगा। आश्रम तो अपन लगा ही रहे हैं तो इसमें स्वकीय आ जाएगा। जाति में 38 जो हैं आश्रव के प्रत्यय वो एकेंद्रीय में होते हैं, तो एकेंद्रीय की जो जातियाँ होती हैं वो 52 लाख होती हैं, जिसमें 7 छिंग 42 और 10 वनस्पति की मिलाकर के 52 लाख हो जाती हैं। फिर दो इंद्री में उनके 40 जो हैं आश्रव के प्रत्यय होते हैं, उसकी जो है केवल 2 लाख हैं। फिर 41 आश्रव जो हैं 3 इंद्री में, उनके भी 2 लाख हैं। 42 लाख जो हैं 4 इंद्री में, उनके भी 2 लाख हैं। नरक में 51 प्रत्यय थे। क्यों थे वहाँ पर इतने? क्योंकि वहाँ पर 2 वेद नहीं थे, और आहारक आहारक मिश्र और औदारिक औदारिक मिश्र से 6 की कमी हुई थी, तो इसलिए जो है 51 प्रत्यय जहाँ पर हैं वहाँ नरक में, वहाँ पर 4 लाख उनकी जातियाँ हैं। देवगति में 52, क्योंकि इसमें एक ही वेद कम होता है, इसके भी 4 लाख हैं। फिर जो त्रियंश हैं उनके वहाँ पर 3 वेद हो जाते हैं, तो उसमें एक और कमी हो गई, तो मतलब यहाँ पर 53 बचे, तो इसके माध्यम से इनकी भी 4 लाख जातियाँ होती हैं। और मनुष्यों में 55 होते हैं, क्योंकि इनमें बैक्रिय को बैक्रिय मिश्र नहीं होता, इनके 14 लाख होते हैं। कुल कोटि में जहाँ 38 एकेंद्री के संबंधी हैं, तो एकेंद्री में उनकी 67 लाख होती हैं, तो उसमें पृथ्वी काय की 22 लाख, जल काय की 7 लाख, अग्नि काय की 3 लाख, वायु काय की 7 लाख और वनस्पति काय की 28 लाख, ये कुल मिलाकर के 67 लाख होती हैं। फिर इसके बाद में 40 ये 2 इंद्री की, तो इसमें 7 लाख करोड़ कुलकोटि होती हैं, पर लाख अकेला बोल देते हैं, इसमें 1 लाख करोड़ कुलकोटि आती हैं। फिर 41 जहाँ प्रत्यय हैं वो 3 इंद्री की है, तो उसमें 8 लाख करोड़ कुलकोटि होती हैं। फिर 42 जिसमें आश्रव हैं उसमें 9 लाख करोड़ कुलकोटि होती हैं 4 इंद्री की। फिर 51 अभी देखा था अपन ने नारकियों के, उनके यहाँ पर 25 लाख करोड़ कुलकोटि होती हैं। देवों में 52 तो उनकी 26 लाख करोड़ कुलकोटि होती हैं। त्रियंशों में 53 आश्रव के हैं तो वहाँ पर 43.5 लाख करोड़ कुलकोटि होती हैं। फिर 55 प्रत्यय ये मनुष्यों में अक्रियक और बैक्रियक मिश्र के बिना, इसमें 14 लाख करोड़ कुलकोटि होती हैं।